हमारे देश में सुपर हीरो वाली मूवीज की कोई भी कमी नहीं है। हाल ही में कई सुपर हीरो वाली मूवीज बनी हैं, पर इन सब के बीच ऋतिक रोशन की मूवी क्रिस को तो भूल ही गए थे। क्रिस 3 के रिलीज होने के बाद सभी लोग इसके फोर्थ पार्ट का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। वैसे इस मूवी की शूटिंग 2020 में स्टार्ट हो जानी थी, लेकिन इस मूवी का प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया था। और अब क्रिस 4 को लेकर कुछ खबरें सुनने को मिल रही है। मूवी की कास्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। मूवी में बॉलीवुड के कई बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। मूवी में ऋतिक रोशन के साथ साथ अमिताभ बच्चन भी देखने को मिलने वाले हैं, और उनके साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रोहित रॉय, ये सभी दिग्गज कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। और वही बात करें हीरोइन के रोल में, तो नोरा फतेही या फिर कियारा आडवाणी देखने को मिल सकती है। मूवी में विलन के रोल में कौन देखने को मिलेगा अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया गया है। इसके बारे में कोई अपडेट निकल कर नहीं आई। वही बात करें मूवी के डायरेक्टर, तो इस मूवी को राकेश रोशन के डायरेक्शन में बनाया जाएगा, जो कि इसके पहले 3 पार्ट को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। उस समय मूवी में काफी अच्छा VFX देखने को मिला था, और अब सुनने को मिल रहा है कि हमें हॉलीवुड लेवल का VFX देखने को मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों मूवी को लेकर लोगों के बीच काफी एक्साइटमेंट बना हुआ है। लोग जल्द से जल्द इस मूवी को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। और आपको बता दें मूवी की शूटिंग जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली है, लेकिन ऋतिक रोशन अपनी फाइटर मूवी में बिजी है। फाइटर मूवी की शूटिंग खत्म होने के बाद क्रिस 4 की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमें जल्द से जल्द मूवी देखने को मिल सकती है। और वही बात करें मूवी की बजट की, तो मूवी का बजट काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि मूवी में हमें कई बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, और साथ ही मूवी में VFX का इस्तेमाल भी ज्यादा होगा। वैसे मूवी के बजट को लेकर मेकर्स ने अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दी है। ये मूवी जब भी रिलीज होगी तो कई बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने वाली है, और साथ ही साथ लोगों के बीच इस मूवी को लेकर काफी एक्साइटमेंट बना हुआ है, क्योंकि लोग इस मूवी का इंतजार काफी लंबे समय से कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये मूवी रिकॉर्ड बना पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर